हेलो जी, गुड मॉर्निंग। 84488। हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग। और अभी मैं कैमरा तो लगाया नहीं, अभी सेटअप करना पड़ेगा मेरे को। तो थोड़ा बहुत फ़ोन से शूट कर रहा था। आज साफ सफाई करने मेरे को मेरे रूम की, क्योंकि मेरी जीजा की फ़्लाइट थी, पता नहीं 10 की थी 9 की थी, पता नहीं, याद नहीं, फ़्लाइट थी। तो जीजा जी अभी जा चुके हैं और मेरी बहन है मेरे साथ मेरे घर पर, ठीक है। और अभी मेरे को रूम की साफ सफाई करनी है। और मेरे पीछे मेरी जैकेट दिख रही होगी, राइडिंग जैकेट। ये व्लॉग से पहले एक संडे पड़ा था, उस संडे पे मैं संडे राइड पे गया था। और भाई वो सिर्फ संडे राइड थी, उसमें मैंने कुछ भी रिकॉर्ड छोड़ा। अभी अभी बात खत्म करते हैं, पहले इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइड फॉर बॉल, पीस आउट। हेलो जी, तो अभी ऐसा सीन है कि पहले कुछ और प्लान था, मेरा बाहर जाने का प्लान था, पर बाहर जाने के अलावा जो मेरी जैकेट है, मेरे हेलमेट, मेरे ग्लव्स, सबको धोना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अभी जो संडे राइड मैंने बताया ना, संडे राइड जब मैं करके आया तो मेरे को फील हुआ है कि मैंने वॉश नहीं किया। एक्चुअली मैं भूल गया था, नहीं ये वाले नहीं, चलो ये भी धो ही देता हूँ आज, बाकी है। तो हेलमेट के आज कुशन निकालूंगा, ये धोऊंगा, ठीक है। और ये मेरा पुराने ग्लव्स और ये पुराना बखलावा है, ठीक है, ये धोना है। और ये नए ग्लव्स, ठीक है, ये भी ग्लव्स और ये तो जरूरी है धोना, चाहे ग्लव्स हो ना दो, ये जरूरी है धोना। तो ये सब वॉश करना है। और थोड़ा ना अभी होली के बाद से कलर लगा हुआ है वॉश बेसिन में, वो साफ करना पूरा, क्योंकि ये फ्लोर तो मैं ही साफ करता हूँ भैया, तो ये साफ करना है। तो मैं सोच रहा हूँ अभी कि दिखाऊँ ना दिखाऊँ, क्योंकि बाहर जाने का प्लान जो था वो तो कैंसिल करना पड़ा है मेरे को। और चलो देखते हैं, जैसे भी होता है बताता हूँ। पहले कुशन निकालते हैं। ये देखो मिट्टी, मिट्टी दिख रही है, एक सेकेंड, मिट्टी दिख रही है, ये मिट्टी भर जाती है। आज पूरा हेलमेट धोना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरा माइक, जिससे तुम्हें मोटो व्लॉग के टाइम पे आवाज आती है। हाँ। तो लो जी, खाली हो गया पूरा का पूरा। तो अभी पहले ये वॉश करके आता हूँ। ये साइड के कुशन है और ये मेहंदे का ऐसे होता है, ये हो गया और ये हो गया। ये है कुशन भाई, करना पड़ता है भाई, राइडिंग तो करते हो, उन्हें पता होगा, जरूरी होता है ये सब चीज, ठीक है। अपन धोते हैं, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। तो पीस आउट। ये मेरा बकलावा, ये भी बकलावा, ये लैपटॉप का साफ करने का कपड़ा है, ठीक है। और अभी धूप तो ज्यादा है नहीं, तो यहाँ पे मैंने रख दिए। ये हेलमेट के, वो ग्लव्स है मेरे पुराने वाले, नए वाले ग्लव्स को धोने की इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं, वो इतने गंदे नहीं है। बहुत ज्यादा धोने से ना खराब होती है जल्दी चीजें, तो फायदा है नहीं जल्दी धोने का। नहीं धो रहा मैं अपनी नए वाले ग्लव्स, वो वहीं रखे हुए। अभी जो मेरे को धोने वो है मेरा जैकेट, जैकेट के वो पैडिंग वगैरह हटाऊंगा मैं, सबसे आसान होता है, उससे ज्यादा आसान कुछ नहीं होता। पर जो मेरे नए वाले ग्लव्स है, ज्यादा गंदे नहीं हुए, क्योंकि इनका जो ग्रीन पोर्शन है ना, बस ये गंदा हुआ है और स्मेल भी ठीक ठाक ही है, मतलब अभी चल जाएगा, अभी वॉश करने की जरूरत नहीं है। तो अब बची मेन जैकेट। तो राइडिंग जैकेट, जिनको, एक सेकेंड, राइडिंग जैकेट के बारे में जिनको नहीं पता है उन्हें बता दूं मैं। एक ये बैक प्रोटेक्शन होती है इसमें, एक शोल्डर, एक एल्बो, ठीक है, ये राइडिंग जैकेट होती है। और 3 टाइप की राइडिंग जैकेट आती है। एक आती है तुम्हारी नॉर्मल राइडिंग जैकेट, ठीक है, एक आती है सिंगल लेयर जो मेरे पास है, एक आती है डबल लेयर। सिंगल लेयर क्या होती है? सिंगल लेयर में सिर्फ तुम्हारा रेनकोट होता है, उसमें इनलाइनर नहीं होता है, ठीक है। तो ये सिंगल लेयर है, इसमें सिर्फ रेनकोट है, इनलाइनर नहीं है। और जो डबल कोट वाली होती है, उसमें इनलाइनर भी होता है और रेनकोट भी होता है, दोनों चीजें साथ में होती है। तो ये होता है भाई, 3 टाइप की आती है। और जो सिंगल, जो सबसे पहले वाली बताई मैंने, उसमें सिर्फ राइडिंग जैकेट होती है, उसमें सब चीज तुम्हें लेनी पड़ती है अलग से। और इसमें जो प्रोटेक्शन है वो लेवल 2 वाली है भाई, लेवल 2 प्रोटेक्शन। ये देख रहे हो ग्रिप कितनी मोटी है, देखो सही है, प्रोटेक्शन अच्छे है। DXR की है भाई, DXR, ये बैटल की है, प्रोटेक्शन नहीं है, सही है। तो अभी बाल्टी में, मतलब पानी भर रहा हूँ, अभी तुम्हें दिखाता हूँ एक्चुअली में कितनी गंदी होती है सिंगल राइड में अपनी राइडिंग जैकेट। हम लोग कितने गंदे होते हैं वो दिखाता हूँ। ये जैकेट मैंने निकाल दिया, अभी पानी निकल रहा है, ठीक है। और ये देखो पानी का हाल, पूरा पीला हो चुका है, ये पूरा पूरा पीला पानी। हेलो जी, तो अपना साफ सफाई करने के बाद मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया और एडिट कर रहा था, और भाई साहब आ गए हमारे पास। हाय कर दे अभिजीत। तो अभी हम जा रहे हैं ITO, पता नहीं क्यों जा रहे हैं, इसका कुछ काम है। तो इसने बोला कि घर से उठा मेरे को, तो हमने उठा लिया। अब नहीं रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है, अब थोड़ा मेट्रो में रिकॉर्ड करूँगा। हाँ जी वही। तो अभी हमें मंडी हाउस और मंडी हाउस से पर्पल लाइन ले रहे हैं, पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है, मुझे तो कोई आइडिया भी नहीं, अभी पूछूंगा उसके बाद बताता हूँ। हेलो जी, तो अभी अभिजीत को छोड़ के आया नीचे, मतलब गलती से छोड़ दिया। तो अभी अभिजीत को नीचे छोड़ के आ गया था मैं, क्योंकि मैंने भाग के तो लिफ्ट पकड़ ली, उसने नहीं पकड़ी। देखो अभी होगा, सामने होगा, खुल गया। आ जा आ, ये तो मेरा ही पोपट हो गया। भैया अच्छा था ये वाला, अच्छा था, नाइस। तो ये तो है मेरा कंटेंट। सीट। हेलो जी, तो अभी घर आके बैठे थे, चेंज किया है, मुंह तो धोया नहीं मैंने। यहाँ पे अभिजीत बैठा है, वहाँ पे सुरभि बैठी है। कितनी जल्दी उठी सुरभि। यहाँ पे मम्मी बैठी है हमारी। और अभी फिलहाल ये चल रहा है, ज्यादा लंबा नहीं खींचते इस ब्लॉग को अभी, क्योंकि एडिट भी करना है, फाइल ट्रांसफर करी थी अभी ना जस्ट, और ये भी ट्रांसफर करना है, तो ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इस ब्लॉग को। इस ब्लॉग के लिए इतना रखते हैं, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब मार दो। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और ख्याल रखें अपना, अगर अपना, बाय बाय। और अभी जो अभिजीत गया था, किस काम से गया था वो आगे चल के बताऊंगा, क्योंकि अभी हो गया कंप्लीट तो हो गया। जब भाई जाएगा ना, मतलब जब जाएगा तब बताएंगे। पीस आउट।